गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, कल हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि ऑपरेटर क्या होता है, कितने तरह का होता है। ओके, तो उसमें से कुछ ऑपरेटर के बारे में हम लोग जाना था, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करता है, उसके में जो सिंबल्स होते थे वो जाना था हमें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस। ओके, देन रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, असाइनमेंट ऑपरेटर लास्ट में पढ़े थे, और उस पर एक प्रोग्राम देखे थे स्वैपिंग वाला। चलिए, आज जो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं उसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, देखिए लॉजिकल ऑपरेटर वो सारे सिंबल्स विच परफॉर्म आर सोज लॉजिकल रिलेशन बिटवीन वेरिएबल आर एक्सप्रेशन वेरिएबल और एक्सप्रेशन। मीन्स वो सारे सिंबल जो दो वेरिएबल के बीच में लॉजिकल रिलेशन, लॉजिकल रिलेशन का मतलब समझिए जिन्हें चेक करने पे सिर्फ दो ही वैल्यू आए, आइदर वो ट्रू हो या क्या हो, फॉल्स हो। ओके, जैसे अगर मैं बात करूं ए डबल एंड बी, ओके इसे एम परसेंट कहा जाता है, डबल एम परसेंट बी, तो यहां पे जब आप ए और बी की वैल्यू देंगे तो या तो ये ट्रू वैल्यू देगा और या तो फॉल्स देगा। ओके, अब एक बात जान लीजिए, ट्रू का मतलब क्या होता है, जीरो, सॉरी ट्रू का मतलब होता है नॉन जीरो, और फॉल्स का मतलब होता है जीरो। मीन्स जहां भी फॉल्स होगा वहां पे वैल्यू जीरो आई है, लेकिन सिस्टम जितने नॉन जीरो है, मीन्स एक्सेप्ट जीरो, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो सिस्टम उसे क्या समझेगा, ट्रू ही समझेगा। और ट्रू का मतलब वो क्या, आउटपुट अगर देता है तो दैट इज योर वन, बेसिकली वन का मतलब ही ट्रू होता है। लेकिन अगर सिस्टम में बात करें कि अगर मैंने कहा फाइव, ओके फाइव को अगर सिस्टम क्या ट्रीट करेगा, ट्रू फॉल्स की बात करें तो फाइव को एज अ क्या ट्रीट करेगा, वो ट्रू, और इसे मानेगा वन। ओके, अगर मैंने कहा कि पॉइंट फाइव, जीरो पॉइंट फाइव, इसे क्या ट्रीट किया जाएगा, इसे भी ट्रू है। क्यों ट्रू है ये, क्योंकि ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब ट्रू ही समझता है, और जीरो का मतलब क्या समझता है, फॉल्स समझता है। ओके, चलिए, तो लॉजिकल ऑपरेटर जो मैंने बताया कि दो वेरिएबल के बीच में जब आप कोई ऐसा सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो ये बताए कि ये एक्सप्रेशन जब एग्जीक्यूट होगा तो आइदर ट्रू वैल्यू देगा या फॉल्स वैल्यू देगा, वही सारे सिंबल क्या कहलाते हैं, आपके लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। अब इस्तेमाल क्यों होता है, सपोज आपके पास दो तीन कंडीशन है, जैसे अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये मैथ में डायरेक्ट ऐसे इस्तेमाल हो सकता है कि हाँ ए की वैल्यू बी से भी ठीक है लार्ज है और बी की वैल्यू सी से लार्ज है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में अगर हम ये डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे सपोज अगर कंडीशन मेरा पड़ता है इफ, मैंने कहा आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें ये चेक करना है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप डायरेक्ट अगर ये लिखते हैं ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, तब आपका आउटपुट हो सकता है गलत आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर हो सकता है कि यहाँ पे वैल्यू रखे और जो आउटपुट यहाँ से आएगा उस वैल्यू को इससे कंपेयर करेगा, तो जो आपको ट्रू दिखना चाहिए हो सकता है वो आपको क्या दिख जाए, फॉल्स दिख जाए। जैसे मैंने कहा ए सपोज आपका फाइव है, बी आपका फोर है और सी थ्री है। ओके, ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ओके, अब देखिए ए इज ग्रेटर देन बी एकदम सही है और बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ये आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर वन आना चाहिए। लेकिन जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे फाइव इज ग्रेटर देन फोर, ओके एंड ग्रेटर देन थ्री, तो आपको ये लग रहा होगा ट्रू है, लेकिन ये ट्रू नहीं है, वास्तव में ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि मैंने उस दिन भी लेक्चर में बताया था कि दो का कॉम्बिनेशन बना के पहले उसे सॉल्व करेगा, तो जब इसे पहले सॉल्व करेगा तो 5 इज ग्रेटर देन 4 ये सही है, तो सही हो गया, तो ये 1 हो गया। 1 इज ग्रेटर देन 3 अब ये गलत हो गया। ओके, तो जो चीज आपकी सही आनी चाहिए थी वो क्या हो गई, गलत हो गई। इसीलिए जब भी आपको दो या दो से ज्यादा कंडीशन आपस में कंबाइन करके लिखना हो तो आप मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखिए, आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल कीजिए। कैसे, मैंने कहा कि अगर ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा, अभी आपके ऊपर है कि आप दोनों को सही करना चाहते हैं कि या केवल एक को सही करना चाहते हैं।
अगर आप चाहते हैं दोनों सही हो तो एक ऑपरेटर बनाया, दैट इज योर एंड ऑपरेटर, जो कहता है कि जब दोनों सही होगा तब हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कोई एक सही हो तो आप क्या लगाइएगा, लॉजिकल आर ऑपरेटर लगाइएगा, जिसका सिंबल होता है डबल पाइपलाइन। ओके, तो चलिए ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो इसी में लॉजिकल ऑपरेटर को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, सॉरी टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर, और तीन कैटेगरी बनाई गई। पहला था आपका लॉजिकल एंड, जिसका सिंबल होता था डबल एम परसेंट। इस सिंबल को कहा क्या जाता है, एम परसेंट। ओके, तो डबल एम परसेंट हुआ। दूसरा है आपका लॉजिकल आर, जिसका सिंबल होता है डबल स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन, जिसे कहा जाता है पाइपलाइन, डबल पाइपलाइन। और तीसरा जो होता है दैट इज योर नॉट ऑपरेटर, जिसका सिंबल होता है एक्सक्लेमेशन का साइन। ओके, दैट इज योर नॉट ऑपरेटर। तो ये तीन ऑपरेटर है, और इन्हीं तीन ऑपरेटर के बारे में आपको जानना है। पहला आपका लॉजिकल एंड, लॉजिकल आर और नॉट ऑपरेटर। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं लॉजिकल एंड। ओके, देखिए लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन, और यहां पे भी आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर मैं दोनों के बीच में एंड लगाऊं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों के बीच में आर लगाऊं तो इसका मतलब क्या होता है। ओके, जब दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा होता है तो इसका मतलब क्या समझते हैं हम, कि दोनों में से, ओके, दोनों करने हैं आपको। ओके, यहां पे ऑप्शन नहीं दिया गया कोई एक करिए, ठीक है। आप जब तक दोनों नहीं करेंगे, ओके, और दोनों सही नहीं होगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। सेम वही चीज मैंने कहा, ये भी सही होना चाहिए, ये भी सही होना चाहिए, तभी आपको नंबर मिलेगा। ओके, अगर दोनों में से कोई भी गलत हो गया या दोनों गलत हो गए तो इसका मतलब आपको कितना नंबर मिलेगा, जीरो नंबर। एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया कि अगर दो क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों के बीच में आपको एंड लगाया गया है, ओके, तो जब तक दोनों नहीं सही होंगे तब तक आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर एक भी गलत हो गया या दोनों गलत हो गए तो आपको जीरो ही नंबर मिलना है। लेकिन दो क्वेश्चन के बीच में आर लगा हो तो आर का मतलब क्या होता है, कोई एक करिए, ओके, मतलब अगर कोई भी एक सही हो जाए, ओके, या दोनों भी सही हो जाए तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन नंबर कब नहीं मिलेगा, जब दोनों ही गलत हो। ओके, बाय द वे आपने दोनों किया, दोनों गलत हो गए तो आपको कितना नंबर मिलेगा, जीरो नंबर मिलेगा। ओके, तो वही चीज है लॉजिकल एंड, ठीक है, क्या कहता है कि जब तक दोनों सही नहीं होंगे तब तक हम नहीं देंगे। तो लॉजिकल एंड की खासियत जान लीजिए, क्या कहता है, सिंपल, एक भी गलत तो पूरा गलत। ओके, एंड की खासियत आप जानिए, ठीक है, लॉजिकल और बिट वाइज बात की बात है, एंड की खासियत क्या होती है, एक भी गलत तो पूरा गलत। ओके, आर की खासियत क्या होती है कि एक भी सही तो पूरा सही। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसी बेसिस पे इसका टेबल ड्रा करते हैं, इसे ट्रूथ टेबल कहा जाता है। तो चलिए लॉजिकल एंड, ओके, सिंबल होता है डबल एंड या एम परसेंट। मैंने कहा अगर सपोज ए है, दूसरा इनपुट बी है, और ए एम परसेंट बी की वैल्यू आपसे पूछी जाए, ओके, अगर आप भूल रहे हो तो यहाँ पे आप हैंड लगाने के लिए ए एंड बी लगा सकते हैं। दो क्वेश्चन के बीच में एंड लगा है मतलब दोनों का सही होना जरूरी है, तो वही चीज है, जीरो जीरो, दोनों गलत तो जीरो, जीरो वन वन, सॉरी जीरो वन जीरो जीरो एंड वन वन वन। ओके, ये हो गया आपका लॉजिकल एंड, ये है उसका टेबल, क्या कहता है, इसे कहा जाता है ट्रुथ टेबल। इसने क्या कहा कि दो वेरिएबल अगर आपको दिए गए हैं और दोनों के बीच में हमने लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक हम आंसर ट्रू नहीं देंगे, एक भी गलत तो हम आंसर जीरो देंगे। ओके, ऐसे ही अगर लॉजिकल आर की बात की जाए,
लॉजिकल आर, जिसका सिंबल होता है डबल पाइपलाइन। ये क्या कहता है, ए बी ए डबल आर बी। ओके चलिए, हिंट के लिए मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन क्वेश्चन दोनों के बीच में आर लगा है। आर का मतलब कोई एक भी सही तो पूरा सही। ओके तो किसी एक का सही होना जरूरी है, चाहे ये सही हो चाहे ये गलत हो। या ऐसे कह सकते हैं आर तब तक गलत नहीं होगा जब तक दोनों गलत ना। ओके जब दोनों गलत होंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वही चीज है, जीरो जीरो पे तो जीरो रहेगा, लेकिन अगर कोई भी आपका वन हो गया तो ये आपका वन आ जाएगा। तो ये है लॉजिकल आर। ओके तो लॉजिकल आर लॉजिकल एंड दोनों का मैंने टेबल बता दिया है। तीसरा जो है दैट इज योर नॉट ऑपरेटर। नॉट तो बहुत आसान है, नॉट का मतलब ही होता है अपोजिट। जैसे मैंने कहा ओके मैं ये काम, आपको ये काम करना, ओके आप अगर नॉट ही लगा रहे हैं तो मतलब मेरी बात का ठीक है अपोजिट बोलेंगे। ओके जैसे मैंने कहा कि आपको ये काम करना है और आपने कहा नॉट, ठीक है मतलब आपको ये काम नहीं करना है। तो सेम वही चीज, नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, सिंबल दिस। अगर मैंने कहा ए, ए मेरा अगर जीरो है तो आप कहेंगे कि मैं भैया जीरो नहीं, मुझे वन चाहिए। मीन्स अपोजिट आपको लेना है। ओके अगर मैंने कहा वन तो आप कहेंगे जीरो। तो नॉट का मतलब जीरो का वन, वन का जीरो। ओके तो ये है मतलब ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला सिंपल, अगर ए की वैल्यू 5 दे दिया मैंने और बी की वैल्यू सपोज 7 दे दिया और आपसे पूछा किसी ने ए एंड बी बताइए कितना आंसर आएगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी कामा सी, मतलब आउटपुट पूछ रहा है कि अगर सी को हम प्रिंट कराएं ओके तो इंटीजर वाली कितनी वैल्यू आएगी। तो चलिए बात कर रहे हैं, ओके ए की वैल्यू कितनी है मेरी 5 और बी की वैल्यू है मेरी 7। ओके अब मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि नॉन जीरो का मतलब सिस्टम क्या समझता है, ट्रू, और जीरो का मतलब क्या समझता है, फॉल्स। ओके और नॉन जीरो मत भूलिएगा, नॉन जीरो किसे कहते हैं, जीरो के अलावा कुछ भी। ओके तो 5 क्या है नॉन जीरो, 7 क्या है नॉन जीरो, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, डबल ट्रू और एंड लगा है, इसका मतलब ये भी आंसर क्या है भाई, ट्रू। और ट्रू का मतलब सिस्टम क्या समझता है, 1। इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और जब आप प्रिंट कराएंगे तो वही आंसर आएगा, सी बराबर 1 आएगा। ओके तो सिंपल है, क्या कह रहा है कि आप कोई भी वैल्यू दीजिए वो सिर्फ ये चेक करेगा कि वो जीरो है कि नॉन जीरो है, अगर जीरो होगा तो फॉल्स मानेगा और अगर नॉन जीरो है तो उसे ट्रू मानेगा। ओके सेम वैसे ही अगर आर की बात करें, अगर यहां पे आर लगा होता तो ओके तब भी सेम ऐसे ही काम करता, ये भी ट्रू ये भी ट्रू। और आर की खासियत क्या होती है कि दोनों में से कोई भी ट्रू होता तो ट्रू होता, दोनों ट्रू हैं तब तो ट्रू होगा ही। ओके तो वही चीज है, चाहे आप एंड लगाएं चाहे आर लगाएं आपका काम वैसे ही होना है। तो एंड वाला भी देख लिया, ओके आर वाला भी मैंने देख दिया कि क्या होता है कि नॉन जीरो को वो ट्रू मानता है और बाकी को क्या मानता है। ओके चलिए अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑर्डर ऑपरेटर की बात करें तो इसपे जो क्वेश्चन हो सकता है, सपोज ए बराबर कितना दिया है 15, ओके और आपसे पूछे बी बराबर नॉट ए, अब आंसर कितना आएगा। अगर मैं पूछूं बी को प्रिंट कराने पे कितना आंसर आएगा, ए बराबर 15, तो 15 का मतलब वो क्या समझेगा, ट्रू। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। ओके नॉट ट्रू और नॉट ट्रू का मतलब क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, जीरो। तो मतलब बी के अंदर कितना जाएगा, जीरो, इसीलिए बी बराबर कितना आएगा आपका, जीरो आएगा। तो सेम वैसे ही है, सिंपल नॉट भी काम कहता है क्या कि अगर आपका नॉन जीरो तो हम उसे ट्रू मानेंगे, ट्रू का नॉट क्या होगा, फॉल्स, और फॉल्स का मतलब क्या समझेगा, वो जीरो समझेगा। ओके तो ये है आपका लॉजिकल ऑपरेटर सिंपल। ओके अब दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि दो एक्सप्रेशन को जोड़ने के काम कैसे आ सकता है। जैसे मैंने कहा ए बराबर 5 है, बी बराबर 7 है और सी बराबर आपका 9 है। ओके अब मैं बात कर रहा हूं डी बराबर, सपोज ए इज लेस देन बी, ओके और बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी। ओके अगर मैंने कहा बी इज ग्रेटर देन सी, ये चीज अब इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके इसमें थोड़ा सा एक
ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे बिटवाइज और लॉजिकल और इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ओके, लॉजिकल आर की मैंने खासियत क्या बताई थी, लॉजिकल आर क्या कहता है कि एक भी सही तो पूरा सही। ओके, अब सोचिए, मैंने कहा कि एक एक्सप्रेशन और बीच में मैंने आर लगा रखा है कई सारे। ओके, मैंने कहा ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ओके, मैंने कहा अगर पहला वाला सही है, ओके, समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने क्या कहा कि अगर पहला वाला सही है तो आगे अगर और लगा है तो आगे चाहे सही हो चाहे गलत हो आंसर कितना आएगा, वन ही तो आएगा। ओके, क्योंकि आर की खासियत क्या होती है, एक भी सही तो पूरा सही। ओके, तो वही चीज है, अगर मैंने कहा कि कुछ एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन में कई सारे आर लगे हुए हैं, एंड नहीं केवल आर लगे हुए हैं, और मैंने क्या कहा कि अगर पहला वाला ही एक्सप्रेशन सही हो गया, ओके, तो अगर सही हो गया तो आगे चाहे वन आए चाहे जीरो आए, ठीक है, आंसर तो आपका वन ही आना है, क्योंकि आर क्या कहता है, एक भी सही तो पूरा सही। ओके, तो वही चीज है, अगर पहला सही हो गया तो बाकी को चेक वो करेगा ही नहीं। ओके, तो लॉजिकल आर की यही खासियत होती है कि वो क्या कहता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है और वो आर से कनेक्टेड है सारे एक्सप्रेशन, तो अगर कोई बीच में, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जब सही हो जाता है तो उसके आगे, ठीक है, कंपाइलर चेक नहीं करता है। इससे फायदा क्या होता है, मेरा थोड़ा टाइम बच जाता है। ओके, अब सपोज कैसे टाइम बचता होगा, मैंने कहा कि वन और टू ये एक्सप्रेशन में मान के चल रहा हूं, थ्री फोर फाइव सपोज इतने एक्सप्रेशन। ओके, ये सारे एक्सप्रेशन आपस में आर से कनेक्टेड है। ओके, अगर मैं कह रहा हूं कि सपोज ऐसा नहीं होता कि कोई सही होता तो हम रुक जाते, हम पूरा लास्ट तक चेक करते, अगर एक को चेक करने में एक सेकेंड भी लगे आपका तो सब अगर चेक करेंगे तो टोटल सेकेंड कितना लगेगा मुझे, पांच सेकेंड। ओके, अगर मैं पूरा एक्सप्रेशन चेक करूं, एक को चेक करने में अगर एक सेकेंड लग रहा है तो अगर सारे एक्सप्रेशन को चेक किया जाए तो मुझे टोटल टाइम कितना लगेगा, फाइव सेकेंड। ओके, अब मैंने क्या कहा कि अगर आर से कनेक्टेड है और प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर पहला वाला ही सही हो गया, ओके, तो बाकी को टच भी नहीं करेगा। ओके, जिसका मतलब टोटल टाइम अब आप कितना लगेगा, केवल एक सेकेंड। ओके, अगर आप सबको चेक करें तब भी आंसर आपका ट्रू आना है। ओके, अगर आप केवल पहला वाला ही ट्रू हो गया और न चेक करें तब भी आपका आंसर ट्रू आना है। तो ये फायदा है लॉजिकल आर का। तो लॉजिकल आर क्या कहता है कि जहां ट्रू हो गया और सब आर से अगर कनेक्टेड है तो हम आगे वाले चेक नहीं करेंगे, तो फायदा क्या होगा, जो पांच सेकेंड लगना था वो हो सकता है आपका एक ही सेकेंड में काम हो जाए। लेकिन ये तब होगा जब ट्रू मिलेगा। अगर मैंने कहा पहला वाला फॉल्स है, ओके, पहला वाला फॉल्स है और सब आर से कनेक्टेड है, तो क्या अगला वाला चेक करने की जरूरत है, हाँ है, क्योंकि अगर फॉल्स है तो हो सकता है अगला वाला ट्रू हो, तो ठीक है ट्रू होगा तब तो ट्रू हो जाएगा, लेकिन अगर अगला वाला भी फॉल्स होगा तो फिर अगला चेक करेगा कि ये सही है कि गलत है। ओके, तो कब रुकेगा, जब ट्रू मिल जाए। मैंने अगर कहा कि अगर ये है एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से है, ओके, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है और ये गलत है और ये गलत है, तो बताओ कहां पे कंपाइलर रुक गया होगा, कहां तक चेक किया होगा, पहला चेक किया होगा, जी एकदम, क्योंकि आगे वाला सही मिल सकता है। ओके, फिर ये चेक किया होगा, वेरी गुड, क्योंकि फॉल्स है तो हो सकता है आगे वाला आपको फिर से ट्रू मिल जाए। ओके, फिर जब तीसरे पर पहुंचा होगा तो तीसरा ट्रू हो गया। ओके, अगर एक अभी ट्रू हो गया तो आंसर क्या आएगा आपका, ट्रू ही तो आएगा, अगर ट्रू आएगा तो आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब इतने एक्सप्रेशन आपके चेक हुए होंगे, ये और ये चेक नहीं हुआ। ओके, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि लॉजिकल आर कैसे काम करता है। ओके, मतलब सही मिलेगा तो रुक जाएगा, उसके आगे वाले एक्सप्रेशन को चेक नहीं करेगा, लेकिन फॉल्स में तब तक चलता रहेगा जब तक सही मिलता नहीं। ओके, चलिए सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मैंने बताया कि यहां पे अगर कहा जाए कि अगर मैं कह रहा हूं ये पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, तो आपको बताना है कि दोनों चेक होंगे या केवल एक ही एक्सप्रेशन चेक होगा। चेक करने के बाद आंसर डी की वैल्यू वन आएगी कि जीरो आएगी, चलिए वैल्यू रख लेते हैं, फाइव इज लेस देन सेवन। ओके, ये वाला सही है, अगर ये एक्सप्रेशन सही है, ट्रू हो चुका है, ये अगर ये ट्रू हो गया तो क्या अगला चेक करना है, नहीं, अगले के पास जाएगा नहीं, ठीक है, इसका मतलब ट्रू है तो पूरा सही, अब चाहे ये सही हो चाहे गलत हो आंसर तो सही आना ही है।
इसीलिए डी बराबर ट्रू हो जाएगा, ट्रू का मतलब क्या होता है वन। ओके इसीलिए डी का आंसर कितना आएगा वन आएगा। ओके ये है सेम वैसे ही जैसे आपका लॉजिकल आर काम कर रहा है वैसे ही आपका लॉजिकल एंड भी काम करता है। ओके लॉजिकल एंड कैसे काम करेगा इसे मैं इधर समझा दे रहा हूं। अब देखिए लॉजिकल एंड की बात करते हैं डबल एंड। लॉजिकल एंड की खासियत क्या होती है, क्या कहता है कि एक भी गलत, अगर कोई एक भी एक्सप्रेशन गलत हो जाए तो टोटल एक्सप्रेशन आपका गलत होता है। अगर सिंगल एक्सप्रेशन भी गलत हो जाए तो टोटल एक्सप्रेशन क्या होता है आपका फॉल्स होता है। ओके तो लॉजिकल एंड की खासियत जान लीजिए, क्या कहता है लॉजिकल एंड कि अगर आपने कई सारे इक्वेशन या एक्सप्रेशन को एंड से कनेक्ट कर रखा है लॉजिकल एंड से और कोई भी एक्सप्रेशन गलत हो गया ओके तो आगे वाला चाहे सही हो चाहे गलत हो आंसर आपका जीरो ही आना है। वही चीज समझिए, जहां गलत हुआ वहीं रुक जाइए, उसके आगे कंपाइलर चेक नहीं करेगा। तो ऐसे समझिए ये वन है एक्सप्रेशन, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है और ये फिफ्थ एक्सप्रेशन है आपका। अब मैंने कहा कि अगर पहला वाला ही गलत हो गया तो अब आगे चाहे सही है चाहे गलत है एक भी जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। ओके तो यहीं पे रुक जाएगा, सिर्फ ये चेक करेगा, बाकी को आपका टच भी नहीं करेगा, कोई टच नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि सपोज पहला सही है, ओके अगर मैंने कहा पहला सही है तो क्या आगे वाले टच करेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि तो अगर वन है तो हो सकता आगे जीरो आए, तो जीरो आएगा तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ये भी सही है, अगर ये भी सही है तो क्या तीसरे के पास जाएगा? जी हाँ जाएगा। ओके हो सकता है ये गलत हो जाए क्योंकि उसे ढूंढना है क्या कोई गलत होता है, अगर गलत होगा तो जीरो हो जाऊंगा अगर ये गलत हो गया। ओके तब यहां पे जब पहुंचा तो देखिए वन वन जीरो, ओके तो वन 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 जीरो जीरो हो चुका है, ठीक है। तो अब आगे चाहे वन आए तो जीरो वन जीरो वन, ठीक है, आंसर आपका क्या आना है जीरो ही आना है। इसका मतलब जहां फॉल्स हुआ वहीं पर रुक जाएगा, इन दोनों को टच नहीं करेगा। ओके तो ये है आपका लॉजिकल एंड, ठीक है, एंड लॉजिकल आर। तो इस पे भी अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए कि अगर मैं पूछूं कि कौन कौन से एक्सप्रेशन टच किए गए हैं, जैसे सेवन इज ग्रेटर देन फाइव एंड सेवन इज ग्रेटर देन नाइन। ओके अगर मैं इसकी बात करूं तो चलिए अगर मैं कहूं कि बताइए दोनों चेक हुआ कि एक ही एक्सप्रेशन चेक होगा, तो पहली बात करते हैं दिस इज योर ट्रू, अब एंड लगा है तो अगर पहला ट्रू है तो जरूरी नहीं है कि ये सही ही होगा। ओके ये हो सकता है गलत हो, तो गलत होगा तो गलत, तो इसका अगर ट्रू है तो अगला वाला भी चेक करेगा सेवन इज ग्रेटर देन नाइन दैट इज योर फॉल्स। ओके ये फॉल्स, टी एंड एफ मतलब वन जीरो, ओके और ये क्या होता है जीरो, तो ए बराबर कितना आएगा जीरो आएगा, मतलब इन केस में दोनों एक्सप्रेशन चेक करेगा। लेकिन ओके अगर यही गलत होता, जैसे अगर यहां पे लिखा होता फाइव इज ग्रेटर देन सेवन, ओके अगर ये एक्सप्रेशन होता फाइव इज ग्रेटर देन सेवन तो पहला वाला ही क्या हो गया गलत हो गया। अगर पहला वाला ही गलत हो गया तो दूसरे के पास जाएगा ही नहीं क्योंकि ये इसको पता चल गया कि जीरो हो चुका है, आगे एंड ही लगना है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा आपका जीरो ही आएगा, इसीलिए इसे टच नहीं करेगा। ओके तो ये हो गया लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर में डिफरेंस। चलिए आगे बात करते हैं हम, अगला ऑपरेटर है आपका बिटवाइज ऑपरेटर या बिटवाइज से पहले हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ लेते हैं टाइम बिटवाइज ही कर। चलिए बिटवाइज ऑपरेटर ओके बिटवाइज ऑपरेटर जैसा कि नाम है बिट, बिट का मतलब सबसे पहले ये बाइनरी में कन्वर्ट करता होगा और एक एक बिट पे काम करता होगा। तो वो सारे सिंबल जो
नंबर को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद उस डेटा पे एक एक करके, ठीक है, मतलब एक एक बिट पे अलग अलग से काम करते हैं, उसी को कहा जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो दो सिंबल्स विच परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है, एट बाइनरी डेटा इज नोन एज, ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो वो सारे सिंबल जो बाइनरी डेटा पे काम करते हैं, ठीक है, उसे बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करते हैं, देन, ठीक है, उस पे कोई जो भी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेटर आपने सिंबल इस्तेमाल किया उसके हिसाब से जब काम करते हैं तो उसी को कहा जाता है बिट वाइज ऑपरेटर। ओके, तो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, दो सिंबल्स अब कितने सिंबल इस्तेमाल होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर में, तो मेनली 6 सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है और सबका नाम है। चलिए एक एक बात कर लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। पहला है आपका बिट वाइज एंड, बिट वाइज एंड। अभी हमने लॉजिकल एंड पढ़ा, अब अगला ऑपरेटर आपका सेम एंड ही है लेकिन बस अब बिट वाइज। तो दोनों के सिंबल में डिफरेंस क्या होता है, अगर दो वेरिएबल के बीच में सिंगल एम परसेंट लगा है तो इसका मतलब वो बिट वाइज एंड है, और डबल एम परसेंट लगा है तो इसका मतलब वो लॉजिकल एंड है। ओके, सेम वैसे ही अगर बिट वाइज एंड है तो बिट वाइज आर भी होगा हमारा, तो डिफरेंस क्या है, डबल पाइपलाइन मतलब बिट वाइज एंड और सिंगल पाइपलाइन का मतलब बिट वाइज आर। तीसरा क्या बात करते हैं, दैट इज योर लेफ्ट शिफ्ट। ओके, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, जैसा कि नाम है तो सिंबल में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि लेफ्ट शिफ्ट ऐसे होगा कि ऐसे होगा। ओके, तो एरो का डायरेक्शन ही बताता है वो किस तरह का शिफ्ट है। ओके, अगर एरो कह रहा है कि मैं लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं तो दैट इज योर लेफ्ट शिफ्ट। ओके, अगर एरो कह रहा है कि मैं राइट की साइड जाना चाह रहा हूं तो दैट इज योर राइट शिफ्ट। ओके, तो लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल होता है डबल लेस देन का साइन। ओके, चलिए चौथा क्या है आपका, लेफ्ट शिफ्ट है तो 100% आपका राइट शिफ्ट भी होगा, राइट शिफ्ट। ओके, राइट सेव, इसका सिंबल ये हो गया। पांचवा है आपका, एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज योर एब्जॉर ऑपरेटर। ओके, इस सिंबल को कहा जाता है कैरेट, इसका नाम है कैरेट, और ये जहां दिखेगा, ठीक है, उसका मतलब हो गया एब्जॉर। जैसे अगर आपको कुछ इस तरह से दिखता है तो ये मत समझिएगा कि ये 2 to the power 3 है। ओके, ये पावर नहीं है, ये क्या कहा जाएगा, 2 XOR 3। तो इसे क्या कहा जाएगा, 2 XOR 3, मतलब 2 और 3 के बेस में जो ऑपरेशन हो रहा है दैट इज योर एब्जॉर्ब नॉट पावर। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा, दैट इज योर एब्जॉर्ब ऑपरेटर, इसे कहा जाता है कैरेट। ओके, चलिए अगला लास्ट ऑपरेटर, दैट इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसका जो सिंबल होता है ये कीबोर्ड पे देखिएगा कुछ इस तरह का एक सिंबल होता है जिसे टिडल कहा जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। तो ये 6 ऑपरेटर होते हैं जो बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आते हैं। ओके, बिटवाइज एंड, बिटवाइज आर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एब्जॉर्ब, वंस कॉम्प्लीमेंट। इस ऑपरेटर की खासियत जान लीजिए, सबसे पहले तो ये किस पे काम करेगा, बाइनरी डेटा पे। तो अगर आप डेसिमल नंबर देते हैं तो सबसे पहले वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक एक बाइनरी डेटा पे अलग अलग से काम करेगा। तो चलिए इन्हीं 6 के बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिटवाइज एंड। तो पहला है आपका बिटवाइज एंड, सिंबल होता है सिंगल एंड। अब टेबल की बात करें तो जैसा लॉजिकल एंड का टेबल होता था थ्रू टेबल, सेम वैसे ही ये भी होता है। ओके, काम करने के तरीके में, ठीक है, अगर लॉजिक की बात करें कि 1 0 क्या होता है, अगर 0 1 क्या होता है, तो जैसे लॉजिकल होता है सेम वैसे ये भी होता है। ये भी वही कहता है
कि अगर एक भी गलत होगा तो हम आंसर जीरो ही देंगे, मतलब गलत ही कर देंगे, तो जीरो 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 होना ही है। जीरो वन पहला गलत, पहला गलत तो कोई मतलब नहीं, अगला क्या होता है तो ये भी जीरो हो जाएगा। ओके वन जीरो सही है, लेकिन दूसरा गलत हो गया तब भी जीरो होगा, लेकिन ये सही कब होगा जब दोनों वन हो जाए। ओके सेम वैसे ही अगर हम बिटवाइज एंड की बात करें तो उसके लगे हाथ दूसरा ऑपरेटर भी देख लेते हैं, दैट इज योर बिटवाइज आर। ओके बिटवाइज आर जिसे सिंगल पाइपलाइन होता है सिंबल, ओके ये क्या कहता है, टेबल तो अभी भी वही होगा जैसे लॉजिकल का होता था, एक भी सही तो सही होना है मुझे, ए बी ए आर बी, तो जीरो जीरो पे तो हम जीरो होंगे, लेकिन अब कोई भी वैल्यू दीजिए तो हम सही हो जाएंगे। ओके ये थी, तो टेबल तो अगर देखा जाए तो दोनों टेबल क्या है सेम टू सेम है। ओके जीरो जीरो का मतलब जीरो, ओके एक भी जीरो तो जीरो, एक भी वन तो वन। ओके तो ये चीज है, तो टेबल हमने समझा दिया, टेबल में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, काम करने के तरीके में अंतर होता है। अगर मैं डिफरेंस पूछूं कि हाँ कैसे काम किया जाता है, तो चलिए अगर मैं बिटवाइज एंड और लॉजिकल एंड की बात करूं तो ए बराबर पांच बी बराबर सात। ओके अगर मैंने कहा सी ए डबल एंड बी, ये कैसे काम करेगा। ओके और ए बराबर फाइव बी बराबर सेवन, अगर मैंने लिख दिया सी बराबर ए सिंगल एंड बी, और ये कैसे काम करेगा। ओके इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कैसे काम करेगा। चलिए ये मैंने पहले ही बताया था कि ये नॉन जीरो को क्या मानता है, ट्रू मानता है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब रखेगा फाइव एंड सेवन, ओके तो इसको कहेगा कि ये नॉन जीरो है तो ये ट्रू हो गया, ये भी नॉन जीरो तो ये भी ट्रू हो गया, और ट्रू का मतलब ट्रू होता है, ट्रू का मतलब सिस्टम क्या समझता है वन, इसका मतलब सी बराबर कितना आएगा आपका वन आएगा। लेकिन ये ऐसे काम नहीं करता, ओके इसका आंसर कुछ और आएगा, वन नहीं आएगा। ओके हो सकता है कोई नॉन जीरो वैल्यू आए, लेकिन आंसर क्या आएगा, ठीक है एग्जैक्ट वन नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। तो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करता है, मतलब ये अगर आपने जो नंबर दिया दैट इज डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ओके और पहले लेक्चर में मैंने सबसे पहला लेक्चर जो लिया था, ठीक है उसमें बताया था कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। ओके अब मुझे किस में करना है, डेसिमल टू बाइनरी। ओके डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो जब भी डी टू ए नहीं आता था, ठीक है तो हम लोग क्या करते थे, डिवाइड वाला रूल निकालते थे। ओके तो कैसे, अगर पांच का बाइनरी निकालना है तो आप क्या करेंगे, पांच को ठीक है दो से डिवाइड करिए, टू टाइम्स जो रिमाइंडर आएगा सामने नोट करते जाइए। ओके टू फोर, ओके रिमाइंडर बचा वन, फिर इसे डिवाइड करिए, ओके कितनी बार जाएगा वन टाइम्स, ओके रिमाइंडर कितना बचेगा आपका जीरो। ओके और फिर डिवाइड करिए, अब ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये मत कहिएगा डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा, और कितनी बार होगा जीरो बार, और रिमाइंडर कितना बचेगा वन, और जो आया वही आपका आंसर है। तब तक डिवाइड करना जब तक कोशेंट की वैल्यू कितनी आ जाए, जीरो ना आ जाए। ओके तो वही चीज है, टू टाइम्स वन रिमाइंडर, ठीक है ये वन टाइम्स, ठीक है जीरो रिमाइंडर, ओके ये जीरो टाइम्स और वन रिमाइंडर। ओके तो आंसर क्या हुआ, 101, ओके मतलब ए बराबर मेरा क्या हुआ 101। लेकिन अगर हम 8 बिट का इस्तेमाल करते हैं, अगर मेरा रजिस्टर सपोज 8 बिट का है, तो ये 3 बिट हो गए, और जो रिमेनिंग बिट बच रहे हैं आप वहां पे क्या भर दीजिए, जीरो। ओके मैंने मान के चला है कि मेरा रजिस्टर जो है 8 बिट का रजिस्टर है, तो मैं 8 बिट का डेटा शो करूंगा। ओके तो जो डेटा शो कर रहा हूं, मतलब उसमें 8 बाइनरी डेटा होने चाहिए, तो 3 तो हमको पता चल गया कि 101 होंगे, तो 3 प्लेस ही हो गए, जो रिमेनिंग था उसको मैंने किससे भर लिया, जीरो से भर लिया। अब बात करते हैं 7 की। ओके 7 की बात करें तो 7 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से सेम वही प्रोसेस। ओके दो, ओके कितनी बार जाएगा, थ्री वन वन वन, ओके जीरो एंड वन, दिस इज योर 7। ओके 7 का क्या हो गया, ठीक है 111। ओके तो वही चीज है 111, और जो रिमेनिंग है उसको क्या कर लिया मैंने, जीरो से फिल कर लिया, तो बी बराबर इतना। ओके अब इसके बीच में मुझे क्या करना है, ए एंड बी ऑपरेशन परफॉर्म।
हम कर लें। चलिए ए एंड बी, ये नहीं कि जोड़ दीजिएगा वन प्लस वन टू, आपको जोड़ना नहीं है। ये याद रखिएगा टेबल के हिसाब से। वो जीरो जीरो क्या होता है आपका, जीरो जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो और वन वन वन, मतलब दोनों सही होगा तभी सही होगा। अगर कोई भी जीरो हो गया तो जीरो, तो वन देखिए वन, ये क्या हो गया जीरो, वन वन वन, बाकी सब जीरो जीरो है तो एज इट इज जीरो 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 आ जाएगा। तो ये है आपका काम करने का तरीका। और ये क्या है, ये पहला वाला ही नंबर है। और इसकी वैल्यू कितनी थी, फाइव। ठीक है, तो ये कितना आ गया, फाइव। मतलब आपको जब भी कोई डेटा दिया जाएगा तो आप सबसे पहले उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद देन आप उस पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मतलब अगर आपको दिया जाएगा कोई भी नंबर, तो आपको सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जन करना ही पड़ेगा। तो एक पहला तरीका क्या है कि अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आप दो से डिवाइड करिए। एक मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, ठीक है, जो कहीं किताब में नहीं होगा, मैंने खुद से बनाया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या, टू पे जीरो, टू पे वन, टू पे टू, टू पे थ्री, टू पे फोर, टू पे फाइव एंड सो ऑन। अगर मैं पूछूं ये है क्या, तो याद करिए जब डेसिमल नंबर था तो टेन पे जीरो, टेन पे वन, टेन पे टू, टेन पे थ्री, ये क्या बता रहा था मेरा, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। लेकिन ये प्लेस वैल्यू कब था, जब डेसिमल नंबर सिस्टम था। अगर यही 8 पे 0, 8 पे 1, 8 पे 2, 8 पे 3 हो तो ये ऑक्टल नंबर का प्लेस वैल्यू है, ऑक्टल नंबर प्लेस वैल्यू। तो ये किसका है भाई, बाइनरी का। अब बाइनरी की खासियत क्या होती है, या तो उसमें 1 आएगा या तो 0 आएगा। नंबर बनता कैसे है, अगर मैं कहूं कि नंबर बनता कैसे है, तो नंबर कैसे बनता है, हर डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में जोड़ देते हैं। बाइनरी की खासियत क्या होती है, या तो वन आएगा यहाँ पे या तो जीरो आएगा। तो जब वन आएगा तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रह जाएगा। समझो मेरी बात, अगर मैंने कहा टू पे टू का मतलब क्या होता है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो पे जीरो एक, दो पे एक दो, दो पे दो चार, दो पे तीन आठ, सोलह बत्तीस, मतलब टू टू का मल्टीप्लाई करते जाइए आपको आगे वाला मिलता जाएगा। अब सोचो मैंने कहा इस प्लेस वैल्यू पे आप कौन सा डिजिट रख सकते हैं, या तो वन रखेंगे या तो जीरो रखेंगे। जब वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जितना है उतना ही रहेगा, जैसे एक गुणे चार, चार का चार ही रहेगा। अगर जीरो रखते तो जीरो गुणे चार ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो इसी बेसिस पे मैंने एक शॉर्टकट बताया कि अगर आपको बाइनरी को डेसिमल या डेसिमल को बाइनरी में करना हो और बहुत बड़ा नंबर ना हो, छोटे छोटे नंबर हो, तो उसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए। दो पे जीरो, दो पे एक, दो पे दो, तो हम उसको उसकी वैल्यू नोट कर ले रहे हैं, एक दो चार आठ सोलह बत्तीस। अब मैंने पूछा कि बताइए 17 का बाइनरी कितना होगा, 17 का बाइनरी कितना होगा। तो सोचो एक पहला तरीका दो से भाग दिया जाए, ठीक है, और रिमाइंडर नोट किया जाए। अब यहां पे देखो, देखो किसे किसे जोड़ने पे 17 आ रहा है, किस किस डिजिट को जोड़ने पे 17 आ रहा है, तो 16 एक 17। तो जिसे जिसे आप जोड़ रहे हैं उसे वन कर दीजिए, उसे क्या कर दीजिए वन, और जो बीच में पढ़ रहे हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा ऐड करने में, उनको क्या कर दीजिए जीरो कर दीजिए। दिस इज द बाइनरी ऑफ 70। तो एक शॉर्टकट तरीका है, ठीक है, क्या कहा मैंने कि आप किसी नंबर का जिसका बाइनरी जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप प्लेस वैल्यू नोट कर लीजिए। अब जिस जिस डिजिट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उस नंबर को बनाने के लिए ऐड करने का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे वन कर दीजिए, और जो बीच में पड़ रहा है उसे जीरो कर दीजिए। जैसे अगर मैंने कहा कि आपको किसका लिखना है, सपोज 13 का लिखना है, किसका लिखना है 13, एक दो चार आठ सोलह बत्तीस डॉट डॉट आगे 64 128 वो सब होगा। अब देखिए 13 का लिखना है, तो देखिए किसे किसे जोड़ना पड़ेगा, 8 4 12 और 1 13। आठ चार 8 + 4 = 1 13, तो 1 1 1 इसे 1 1 कर दिया, बीच में कौन बच रहा है 0, आगे आप 0 लगाते जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एक शॉर्टकट तरीका है ओके ये चीज है। अब बाइनरी से ठीक है कैसे नंबर पता कर सकते हैं, अगर बाय द वे आपको बाइनरी दे दिया जाए और कहा जाए कि बताइए इसके लिए कौन सा नंबर आएगा ओके, जैसे ये मैंने दे दिया और कहा कि बताओ इसका डेसिमल कितना होगा, तो या तो दो जीरो दो पे एक ठीक है आप एक एक करके लिखिए और उसको डिजिट को मल्टीप्लाई करिए, या शॉर्टकट देखिए 1 2 4 8 16 32 ओके आगे तो जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए जब इसे मल्टीप्लाई किए जीरो से ठीक है तो ये तो टोटल जीरो हो जाएगा, मतलब इसको यूज नहीं करना है आपको। अब ये बताओ गुणा करने पे कितना होगा 32, तो 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 और प्लस 1 ओके सॉल्व कर लेना जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा आपका डेसिमल हो जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आप प्लेस वैल्यू याद रखेंगे ठीक है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप नंबर को दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं ओके। तो ये चीज है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करिए, और बाइनरी में कन्वर्ट करने का बहुत आसान तरीका मैंने बता दिया कि आप प्लेस वैल्यू लिखिए और उस प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग काम कर लीजिए। तो चलिए अगर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज मैंने कहा ए बराबर सपोज 13 है और बी बराबर आपका 14 है ओके, और मैंने कहा सी बराबर ए डबल एंड बी बताइए ये कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ए बराबर 13, 13 का बाइनरी कितना हो सकता है, तो चलिए 13 है हमारा ओके। तो देखिए मैंने लिखा 1 2 4 8 16 ओके डॉट 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 सो ऑन। अब देखिए 13 तो 8 4 12 और 1 13 तो 111 और ये क्या हो गया 0, तो इसका मतलब क्या हुआ 1101। अब 8 डिजिट का इस्तेमाल करना है या बिट्स का इस्तेमाल करना है तो 4 आगे 0 बढ़ा दीजिए ओके। बी बराबर ओके ये कितना है 14 ओके, तो 14 का देखिए 8 4 12 2 14 मतलब 14 के लिए किसका इस्तेमाल किया मैंने 8 4 3 2 1 ओके 16। तो देखिए 8 4 12 1 13 सॉरी ये 13, अब मुझे कितना चाहिए 14, तो 8 4 12 2 14 तो 111 ये आगे बच गया तो 0 ठीक है, आगे 0 बढ़ा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 ओके। अब मैंने कहा सी, सी बराबर बताओ ए एंड बी, तो 0 0 1 1 एंड बाकी क्या होगा आपका 0 0 0। अब ये क्या है ठीक है, इसका आंसर कितना आया ठीक है ये ध्यान दीजिए, सी बराबर क्या आया 0 0 0 1 ठीक है 1 1 0 0। अब मैं कहूँ 1 1 0 0 होगा कितना ओके, ये तो बाइनरी में है ना, तो डेसिमल में बताइए कितना होगा, तो आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो याद रखो 1 2 4 8 यही है, आगे 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 का ठीक है। तो ये देखिए 8 4 12 आंसर कितना आ गया, क्योंकि ये तो 0 हो गया होगा ओके, तो ये 0 0 ठीक है, तो कोई चाहे जोड़िए चाहे नहीं 8 प्लस 4 8 4 12 ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके ये हो गया। तो ये चीज है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका अगर एंड ऑपरेशन करे तो कैसे काम करेगा, आर ऑपरेशन करे ये तो सेम वैसे ही आर है ओके। तो आर पे चलिए आप अगला पढ़ते हैं, फिर लेफ्ट शिफ्ट देन राइट शिफ्ट देन कंप्लीमेंट और वो पढ़ेंगे ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए बिटवाइज और की बात करते हैं हम ओके। तो बिटवाइज एंड हमने देख लिया, अब बात कर रहे हैं बिटवाइज और, इस पे भी एक का क्वेश्चन कर लेते हैं, काम तरीका तो वही है समझ में आ गया होगा आपको कि बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बिटवाइज और ठीक है, जैसा कहता है कि वन रहेगा, अगर कोई भी वन रहेगा आगे चाहे कुछ भी आए हम आंसर कितना देंगे वन आए ओके। तो इन दोनों में से कोई भी अगर ट्रू हो गया ओके तो हम वन देंगे ओके, मीन्स चाहे आगे आपको वन मिल जाए और चाहे बाद में वन मिल जाए, अगर कहीं भी वन मिल गया तो हम आंसर वन दे देंगे ओके, इसी बेसिस पे ये काम करेगा। तो डिफरेंस क्या है लॉजिकल और बिटवाइज में, चलिए पहले एक बार लॉजिकल आर इधर लिख देता हूं, उधर बिटवाइज आर ओके। तो दिस इज योर लॉजिकल आर सिंबल डबल पाइपलाइन, और दिस इज योर बिटवाइज आर सिंगल पाइपलाइन। अब डिफरेंस देख लेते हैं, सपोज ए इज ग्रेटर देन सॉरी ए इज अगर सपोज 5 है बी इज इक्वल टू 7 ओके, और मैंने लिखा ए सी इज इक्वल टू ए डबल आर बी, और आपको बताना है सी कितना होगा ओके। तो इस केस में ठीक है मैंने बताया था कि हाँ लॉजिकल जब होता है तो ये केवल
ट्रू और फॉल्स की बात करता है। और ट्रू और फॉल्स का मतलब जितने नॉन जीरो होते हैं उसको ट्रू मानता है, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ओके, तो ट्रू एंड सॉरी आर ट्रू, ये आर है तो एक भी सही तो पूरा सही था, तो दोनों सही है, तो इसका मतलब ये सही होना ही है, इसका मतलब ये वन हो गया। इस केस में तो ऐसे होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, ये सबसे पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, सी बराबर ओके ए सिंगल आर बी, तो ये क्या कहेगा, मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेगा, ओके मैंने बता दिया शॉर्टकट, 1 2 4 8 ओके, आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा, ओके वैसे 5 और 7 में इसके आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 का मतलब समझिए 4 1 5 ओके, 4 + 1 5 ये इस्तेमाल हो रहा है तो ये 1, बाकी आपने क्या कर दिया 0 ओके। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, ओके ए बराबर ओके 0 0 0 0 ठीक है 0 1 0 1 ओके, और बी बराबर ओके चलिए बी की बात करते हैं 7 ओके, 7 का मतलब हुआ 4 + 2 + 1 4 + 2 = 6 मतलब 1 1 1 ओके, वही चीज हो गया 1 1 1 0 0 0 0 0 ओके। अब इसका आर निकाल दीजिए 1 1 1 0 1 1 1 1 1 बाकी सब 0 है तो आपका क्या आ जाएगा 0 0। और अगर आपसे कोई पूछे 1 1 1 कितना होता है तो 1 2 4 मतलब 4 2 6 1 7 इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा ओके। तो ये है आपका बिटवाइज आर एंड लॉजिकल है ओके। अब एक और डिफरेंस, ये तो सिंपल अगर हम वैल्यू दे रहे हैं उसमें ठीक है डिफरेंस हमने बताया, अब क्या एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में भी डिफरेंस होता है, तो हाँ ध्यान रखिएगा। अभी एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था ए इज ग्रेटर देन बी, या सपोज मैं लिख दे रहा हूँ 5 is greater than 7 एंड 7 is greater than 9 या मैं लिख दे रहा हूँ 11 is greater than 9 सी इज इक्वल, अगर ये एक्सप्रेशन लिखाओ और दूसरा ठीक है अगर लिखाओ 5 is greater than 7 लॉजिकल बिटवाइज एंड 11 is less than greater than 9 ओके। अब इन दोनों में भी डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है कि लॉजिकल जब होता है तो लॉजिकल की खासियत याद करिए, मैंने क्या बताया कि अगर सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं, अगर आर है तो, अगर एंड है तो क्या कहते हैं, अगर पहला गलत हो गया तो आगे वाला चेक करने की जरूरत नहीं है ओके। मतलब ये पहले एक्सप्रेशन को चेक करेगा ठीक है 5 is greater than 0 7 ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया तो 0 हो गया, अगर पहला ही 0 हो गया एंड लगा है तो आगे वाला चेक नहीं करेगा। लेकिन बिटवाइज में ऐसा नहीं है, बिटवाइज में अगर पहला गलत भी हो गया तब भी वो दूसरा चेक करेगा, मतलब वो हर डेटा और हर एक्सप्रेशन को चेक करता है, इसीलिए इसे बिटवाइज कहा जाता है। क्या कि वो हर एक्सप्रेशन को चेक करेगा, इसे भी चेक किया, आगे वाला भी चेक करेगा, और फर्दर जितने एक्सप्रेशन रहेंगे तब भी चेक करेगा, भले आपका पहला वाला गलत हो गया है। लेकिन लॉजिकल में ऐसा नहीं होता है, लॉजिकल में क्या कहा कि अगर पहला ही गलत हो गया तो आगे वाला चेक नहीं करेंगे, इसीलिए लॉजिकल ऑपरेटर ज्यादा बेटर होता है। अगर टाइम की बात करें, टाइम इसमें थोड़ा कम लगता है, इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है ओके सेम। हाँ तो चलिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि सर जब दोनों ठीक है सेम टू सेम है ओके, कि ये भी कहता है कि अगर गलत है तो गलत हो जाऊंगा ठीक है, एक भी गलत है, ये भी यही कहता है कि एक भी गलत होगा तो गलत ही हो जाएगा, तो क्यों दो बनाए गए। तो टाइम की बात करें ठीक है, तो डिफरेंस कहाँ होता है कि अगर एक्सप्रेशन में ठीक है अगर आपने लॉजिकल लगा रखा है ओके और पहला ही गलत हो गया तो ये दूसरा चेक नहीं करेगा, लेकिन बिटवाइज में ठीक है आपका हर एक्सप्रेशन चेक करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हर एक्सप्रेशन को चेक किया जाए तो आप बिटवाइज का इस्तेमाल कीजिए, आप चाहते हैं कि जहां गलत हो रहा है ओके वहीं पे रुक जाए तो आप लॉजिकल एंड का इस्तेमाल कीजिए ओके। सेम वैसे ही जो लॉजिकल एंड और ठीक है बिटवाइज एंड में डिफरेंस होता है, वैसे ही आपका लॉजिकल आर में, अगर आर की बात करें तो ये क्या कहेगा कि अगर पहला सही हो गया तब भी हम दूसरा चेक करेंगे, मतलब हम सब चेक करेंगे। बिटवाइज क्या कहता है, हम सारा एक्सप्रेशन चेक करेंगे, लेकिन लॉजिकल आर क्या कहता है, अगर पहला ही सही हो जाए तो हम आगे वाला चेक एक्सप्रेशन नहीं करेंगे ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा, यही डिफरेंस होता है लॉजिकल एंड बिटवाइज ओके। चलिए लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ा जाएगा ओके। चलिए अभी के लिए इतना ही है, थैंक यू।